सो टुडे इज स्टोरी टाइम. तो गाइज क्या हुआ ना कल मेरे साथ. कल का दिन पथेटिक था एकदम. अभी मैं बताती हूँ आपको. लेकिन अभी ना मैंने जल्दी जल्दी सब खाना बना दिया है और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. या तो इस वीडियो में या डिफरेंट वीडियो में आपको मिल जाएगी. रायते की रेसिपी के बहुत सारे क्वेरीज थे कि प्लीज़ बताओ, तो मैंने एक सिंपल बेसिक सी नई रेसिपी शेयर की है, चेकआउट कर लेना. मैं अभी बस फेस वॉश करके आई हूँ, सारा काम खत्म करके, ब्रेकफास्ट करके. मेरी स्किन जो है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली जाती है. मेरा स्कैल्प भी बहुत ऑयली है, आप देख पा रहे हो. मेरे सारे बाल चिपक गए, मैंने कल शाम को ही धोया था सर, बट स्टिल. तो ऑयली होने के बाद अगर आप किसी रफ फेस वॉश अपना मुंह धो लो जिसमें सोप वगैरह सल्फेट वगैरह होता है, तो इतना ड्राई कर देता है कि जो सीबम आपकी जो फेस सिक्रीट कर रहा है वो भी नहीं रह पाता स्किन पर. वो एक्सट्रीमली ड्राई हो जाता है, उसके बाद फिर टैनिंग स्टार्ट हो जाती है. तो उसके लिए आप ट्राई करें कि कुछ न्यूट्रल, कुछ अच्छा वाला फेस वॉश यूज करें, मतलब ज्यादा हार्श ना हो आपकी स्किन पे. बिकॉज हमें लगता है कि ऑयली स्किन है तो हार्श वाला यूज कर लो तो ऑयल साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. वो थोड़ी देर बाद उतना ही आ जाना है, तो उसकी चिंता मत करो. लेकिन कुछ माइल्ड अपने चेहरे पर यूज करो. आज मैंने अपना फेस वॉश किया है उपटन फेस वॉश फ्रॉम मामा अर्थ. This has turmeric and saffron, which is very good for your skin. मैंने पहले भी इसको यूज़ किया है. इसका जो टेक्स्चर है वो काफ़ी स्मूथ है. फेस वॉश अच्छे से कर देता है, बिल्कुल क्लीन कर देता है, एक सॉफ्ट फेस छोड़ देता है, बहुत हार्श नहीं करता आपकी स्किन को. दैट्स वाई आई रियली लाइक दिस पार्ट. एंड मामा अर्थ के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सभी पैराबिन और सल्फेट फ्री हैं. ऑल ऑफ दीज आर ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स. और गाइज मामा अर्थ का कोड अगर आप मेरा यूज़ करेंगे सिमरन 2022, आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा ऑन mamaearth.in. उसके अलावा ये सारे प्रोडक्ट्स आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगे. ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. एंड ये जो प्रोडक्ट है वो आपको purple.com पे मिल जाएगा, नायका पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, mamaearth की वेबसाइट पे भी. ऑल्सो इन्होंने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है. अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हो, एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए. उस पर जल्दी जितने भी यू नो ऑफर्स होते हैं वो पहले आ जाते हैं, तो आप आराम से शॉपिंग कर सकते हो. सेल अर्ली एक्सेस मिल जाती है आपको. डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. डू ट्राई दिस आउट. ओके, तो फेस तो वॉश हो गया, काफी क्लीन भी हो गया पहले से. अब हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं. और स्टोरी टाइम. फाउंडेशन या क्रीम लगाने से पहले सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ मामा अर्थ उपटन फेस सीरम. एंड इट कंसिस्ट ऑफ टर्मरिक एंड सैफरन अगेन. तो सीरम लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं. एंड बिफोर मेकअप तो मुझे लगता है कि इट हेल्प्स इन लाइक अ वेरी स्मूथ बेस. तो लगभग मैंने यहाँ पे सिर्फ 2-3 ड्रॉप ले लिया, उसको अप्लाई करेंगे हम. इट फील्स सो फ्रेश एंड हाइड्रेटिंग. तो सीरम से ये फायदा हो जाता है कि आपको बहुत फ्रेश फील होता है एकदम से, और ये बहुत जल्दी आपकी स्किन में अब्जॉर्ब भी हो जाती है. एंड इट गिव्स यू दैट इंस्टेंट हाइड्रेटिंग ग्लो. तो सबसे पहले क्या हुआ कि मेरे सिस्टम ने ना कार्डिडर लेना बंद कर दिया. तो मेरे दो कार्डिडर थे, दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहा था. तो उसके बाद मैंने प्रिया का कार्डिडर लिया, उससे काम किया, और प्रिया नेक्स्ट डे चली गई. उसके बाद फिर मैंने दोबारा से जो वीडियो बनाई तो मैंने अपने फ़ोन से बनाई, सो दैट मैं उसे फ़ोन में एडिट कर भी पाऊँ. मैंने आपको बताया भी होगा अपनी एक आध वीडियो में कि मैं फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ. तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फ़ोन से वीडियो बनाई, फिर मैंने नेक्स्ट डे चेक किया, अपना सिस्टम अपडेट किया उसको, तो उसमें कार्ड रीडर चल गया. उसके बाद मैंने चिप फॉर्मेट करके दोबारा से अपने कैमरा में लगा के कल मैंने 3 शॉर्ट्स बनाए थे, मतलब 3 रील्स बनाई थी. उसके अलावा मैंने 3 साड़ी पहन के ट्राई ऑन बनाया, एक पूरा बैठ के पूरा जो वीडियो का हॉल वाला पोर्शन होता है वो बनाया. एंड उसमें इतने सारे फुटेज थी, जब मैंने उसे उसमें सिस्टम में डाल के चेक किया तो सिस्टम दिखाता है कि उसमें पुरानी फाइल्स तो हैं लेकिन जो अभी मैंने रिकॉर्ड किया है, और यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही थी कैमरा में बट लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है. मैंने दोबारा एक बार ट्राई करके देखा तो वो फुटेज आ रही थी, बट वो पुरानी फुटेज नहीं आ रही थी मेरी. तो मैंने दोबारा से वीडियो शूट की, दोबारा से मैं 2 साड़ी की वीडियो मैंने शूट कर ली थी, तो रूरू बीच में जग गई थी. उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब अंधेरा भी हो गया, मैं कल शूट कर लूँगी. तो जैसे ही मैंने चिप बंद की, जैसे ही मैंने कैमरा ऑफ किया, तो उस पर एक पॉपअप आया कि आपका मेमोरी कार्ड जो है वो रीड नहीं कर पा रहा है आपके फाइल को. तो मैंने उस पर फिर रिकवर डेटा पर क्लिक किया, रिकवरी मोड में वो चला गया. दोबारा मैंने मेमोरी कार्ड अपने सिस्टम पर लगाया और वहाँ पर भी कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी फाइल आई थी जिसमें मैंने बैठ के हल्का सा एक रील का पोर्शन बोला था, दैट्स इट. कल मैंने इतनी मेहनत की और पूरा दिन खराब हो गया गाइस. कभी कभी ऐसा होता है ना, लिटरली आप इतने मन से सारे काम करते हो और वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, बट दिस इज़ अ थिंग. यहाँ पर आकर बहुत लोग रुक जाते हैं कि हम नहीं बना रहे, हम नहीं कर रहे, बट दैट्स वेयर यू हैव टू कीप गोइंग. जस्ट डोंट स्टॉप इन लाइफ एवर. कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, ये चीज़ मेरे साथ बहुत बार हुई है. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अड़चन आती हैं लाइफ में, तो आपको रुकना नहीं है वहाँ पे, जस्ट कीप डूइंग इट. एक दिन आएगा कि यू विल बी सक्सेसफुल. सो इट टेक्स मी होल 5 ईयर्स टू बी हियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज. तभी मैं ये बात आपसे शेयर कर पा रही हूँ बिकॉज आई हैज़ दिस एक्सपीरियंस. मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, सबके साथ होता है कि ये वाली चीज़ हो जाती है फिर उनका मन नहीं करता क्योंकि यार मेहनत की है, बुरा सबको लगता है, बट स्टिल जस्ट कीप गोइंग, नेवर लुक बैक. कुछ नहीं होता, दोबारा कर लेना यार, तुम ही तो, तुम्हारी अपनी मेहनत है. तुम्हें अपने अंदर कौन सा फ्यूल खरीद के लाना है, डीजल या पेट्रोल डालना है,
खुद चलो, यू कैन डू इट, ट्रस्ट मी. और कामयाब होने के लिए इतना तो इंसान को करना चाहिए. फॉर आई मेकअप आई हैव दीज रियली कूल थिंग्स जो कि मैंने अमेजोन से ली थी, और इनको अपना स्टिक कर सकते हो यहाँ पर, सो दैट जिससे आपका जो फॉल आउट है वो नीचे ना आए ज़्यादा और एक शार्प लाइन आ सके यहाँ पर. फेसेस कैनेडा का पैलेट यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर. इस तरीके से यू नो आपको बहुत आसानी होती है आई शेडो लगाने में. मैंने एक नई ट्रिक सीखी है, मैं दिखा देती हूँ आपको. मैं यहाँ पर एक डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले. यहाँ पर भी सेम यूज़ करेंगे. इस तरीके से अप्लाई करना है बस आपको ब्रश की हेल्प से. अभी कोई स्मजिंग नहीं करनी, सिर्फ प्लेस करना है कलर को. सेम हम इधर भी रिपीट करेंगे. और इनर कॉर्नर आपको छोड़ देना है क्योंकि वो ब्राइट होने ज़रूरी हैं. मैंने ये गलती बहुत बार की है कि मैं इनर कॉर्नर्स को फिल कर देती थी डार्क कलर्स से कभी कभी, तो वो बहुत गलत है. अब सेंटर में मैं इसमें से एक अच्छा सा कॉपर वाला शेड लेके लगा रही हूँ. दिस इज अ काइंड ऑफ हेलो आई मेकअप, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लगता है होने के बाद. आपको ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, अंदर अंदर ही ब्लेंड करना है इसको, जिससे कि जो लाइन है वो हार्श ना रहे. मैंने फिर से थोड़ा सा शिमर लगाया है सेंटर में. इतने कम एफर्ट्स में हमने बहुत अच्छा आई मेकअप कर लिया है, सो आई रियली लाइक इट. And it comes out really clean, as you can see. बहुत अलग और finished look आता है, तो आपको ये ज़रूर try करना चाहिए. काफ़ी affordable है, link मैं आपको description में दे दूँगी. अब मैं same brown shade लेकर under eye पर apply कर रही हूँ. You just have to go half way, ज़्यादा अंदर तक आपको नहीं जाना है. जो shimmery shade हमने लगाया है वो हम यहाँ पर हल्का सा apply करेंगे, just a little bit. अब हम थोड़ा सा clean up करेंगे यहाँ पर with the help of a brush. कोई भी छोटा ब्रश आप ले सकते हो, अंडर आई को क्लीन करना है आपको हाईलाइट करने के लिए. आप चाहें तो यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर लें या फिर सीसी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स. तो इस तरीके से जो हार्श एजेस हैं उनको हम ब्लेंड कर लेंगे ब्रश की हेल्प से, ज़्यादा क्लीन लुक आएगा, जस्ट लाइक दिस. सो आई एम यूजिंग माई फेवरेट वेट एंड वाइल्ड हाईलाइटर इन द इनर कॉर्नर्स. आई एम यूजिंग दिस ब्लश फ्रॉम फ्रीडम. ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत हल्का हल्का सा, और पीछे की तरफ ब्लेंड करेंगे जस्ट लाइक दिस. एंड राउंड राउंड मोशन में हल्के हाथ से आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा ब्लेंड होगा आपका ब्लश. फोरहेड के कॉर्नर्स में भी हल्का हल्का इसको लगा लेंगे. आप चाहें तो ब्रॉन्जिंग भी कर सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस लूज पाउडर, और से ब्रश की हेल्प से अंडर आई में सेट करेंगे अच्छे से. मैं यहाँ पे हल्का सा नोज कॉन्टोर कर रही हूँ. आप चाहें तो क्रीम कॉन्टोर भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर पाउडर कॉन्टोर लिया है. सो अब हम मस्कारा अप्लाई करेंगे लैशेस को कर्ल करके. आईब्रो मैंने फिल कर लिए. फॉर आईब्रो आई हैव यूज्ड फेसेस आईब्रो किट, जो कि मैं हमेशा से यूज़ करती आ रही हूँ. मस्कारा कितना डिफरेंस क्रिएट कर देता है ना. पहले मुझे लगता था कि पता नहीं लोग इतना मेकअप, इतनी सारी चीज़ें क्यों अप्लाई करते हैं, मल्टीपल थिंग्स. लेकिन जब आप लगाना शुरू करते हो ना, तो यू कैन जस्ट टेल द डिफरेंस कि किस चीज़ से क्या हो रहा है और इतने सारे स्टेप्स क्यों फॉलो किए जा रहे हैं. मुझे लगता है कि आई मेकअप काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब इतने कम एफर्ट्स में इतना अच्छा आई मेकअप हो गया, और क्या चाहिए. फॉर माई लिप्स आई एम यूजिंग दिस ब्राउन शेड. अरे हाँ यार, मैंने ना एक ट्रिक सीखी है, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ. तो ये ट्रिक क्या है कि जो आप कलर से अपनी आईब्रो फिल करते हो, उससे आप पहले आउटलाइनिंग करो, उसके बाद जो भी आपको न्यूड शेड लगाना है ऐसे लगाओ. कि लेट्स ट्राई इट आउट. लाइनिंग तो हो गई, अभी भी ऐसे भी अच्छा लग रहा है. लेट्स अप्लाई द लिपस्टिक. उसमें था कि आपको लाइनर के ऊपर लिपस्टिक नहीं लगानी, सिर्फ अंदर अंदर लगानी है. आई थिंक इट वर्क्स फाइन. काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, डिफरेंट सा एकदम. आई रियली लाइक दिस. आप ये वाला हैक ट्राई कर सकते हो. सो गाइज, ये था आज का वीडियो. आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो. ये हमारा फिनिश लुक है. सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, गो चेक इट आउट.